हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल बायोलॉजिकल साइंस। आज हम फाइलम प्रोटोजोआ से रिलेटेड जानेंगे, यानी कि हम फाइलम प्रोटोजोआ में एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका के बारे में जानेंगे। इससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। बात करते हैं फाइलम प्रोटोजोआ के बारे में। फाइलम प्रोटोजोआ जो होता है, ये एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर जीव होता है। इसकी जो संरचना होती है वो सिंपल यानी कि सरल और निम्न कोटि की होती है। प्रोटोजोआ का जो अर्थ होता है, प्रोटोस का अर्थ होता है फर्स्ट यानी कि पहला, जोन का अर्थ होता है एनिमल्स यानी कि पहला एनिमल यानी प्रथम जीव ही प्रोटोजोआ को माना जाता है, क्योंकि इसकी जो सेल्स होती है वो मल्टी सेलुलर एनिमल्स के जैसी होती है, काफी इनसे मिलती जुलती होती है। अब बात करते हैं प्रोटोजोआ का जो प्रथम अध्ययन है, ल्यूवेन हॉक द्वारा 1677 में माइक्रोस्कोप द्वारा किया गया था। और इसके नाम की बात करें, गोल्ड फिश ने 1817 में इसका जो फाइलम है उसका नाम रखा प्रोटोजोआ। अब बात करते हैं प्रोटोजोआ के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, प्रोटोजोलॉजी। अब हमें पढ़ना है पैरासाइटिक एमीबा यानी कि एंट अमीबा। एंट अमीबा की काफी सारी स्पीशीज होती है, जैसे कि आपका एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, ये की एनिमल की जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसके कॉलम भाग में उसको इफेक्टेड करती है। और दूसरी होती है आपकी एंट अमीबा जिंजीवेलस, ये ह्यूमन की दांतों की जो रूट होती है उसमें पाया जाता है। इनफैक्ट ये कई एनिमल्स जैसे कि मंकी, डॉग, इनके दांतों में भी ये देखा गया है। उनकी जो दांत जो होती है उनकी जो रूट में होती है, ये पायरिया रोग उत्पन्न करती है। अब बात करते हैं एंट अमीबा ई कोलाई। इसकी अगर हम बात करें, ये जो होती है मनुष्य की आंत में का परजीवी होता है। ये सभी मनुष्य के जो पैरासाइट्स है तथा उनके शरीर में पोषण होस्ट यानी कि भोजन प्राप्त करते हैं और उन्हें कमजोर कर रोगग्रस्त करते हैं। तो हमें जानना है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका के बारे में। तो चलिए एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका के बारे में। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका का जो सबसे पहले जो खोज किया था लेम्बल द्वारा 1859 में इसकी खोज की गई थी तथा लॉस द्वारा 1875 में इसका रोकथाम का पता लगाया था। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका मनुष्य के आँव, अन्य स्तनधारियों के आंत का पैरासाइट्स यानी कि प्राइमेट परजीवी है। इसकी उपस्थिति के कारण जीवों में एमीबियोसिस यानी कि पेचिस, या हम लूज मोशन कह सकते हैं, इस प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। जब इसका ज्यादा इन्फेक्शन हो जाता है तो इससे धीरे धीरे करके मनुष्य की जो आंत होती है लूज मोशन के साथ उसमें ब्लड भी आने लगता है। लगभग 25% लोगों में इसका इफेक्ट देखा जा सकता है और बाकी सभी जो जीव होते हैं उनकी जो आपकी इंटेस्टाइन होती है वो बहुत जल्दी रिपेयर करने लगती है, तो वो होस्ट का काम करते हैं यानी कि ये मल के द्वारा वायुमंडल में फैल जाते हैं और किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा एब्जॉर्ब किए जाने पर दोबारा से उस पे इफेक्ट करते हैं। अब इनकी आवाज की बात करें तो अभी हमने जाना ये मानव का आंत का पैरासाइट यानी कि परजीवी है। यह एक पोषदी है। एक पोषदी का मतलब होता है इसकी जो लाइफ सर्किल होती है वो सिर्फ एक जीव में यानी कि ह्यूमन में पूरी हो जाती है। अब बात करें इसकी जो संक्रमण जो स्थिति होती है वो ट्रोफोजॉइट्स को माना जाता है। और मनुष्य की जो कॉलन वाली जो भाग होती है यानी कि इस लार्ज इंटेस्टाइन की कॉलम वाली भाग में ये प्रभावित करती है, वहां पर ये देखी जाती है। इसकी हम आकार की बात करें तो 20 माइक्रोन से लेकर 30 माइक्रोन तक होता है। इसकी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें ट्रोफोजॉइट वाले स्ट्रक्चर की, तो इसमें आपका स्यूडोपोडिया,
इक्टोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म। एंडोप्लाज्म के अंदर आपके फूड वैक्यूल और न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्रक और खाद्य धानियां पाई जाती है। अगर हम बात करें इसमें माइक्रो, इसके अंतर्गत माइट्रोकांड्रिया नहीं पाया जाता है, यानी कि माइट्रोकांड्रिया अब्सेंस होता है, अब्सेंट होता है। अब हम बात करें इसकी एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका एक होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, यानी कि ये अपना न्यूट्रिशन जो होता है किसी होस्ट सेल से प्राप्त करता है, यानी कि मनुष्य के शरीर से अपना पोषण प्राप्त करता है। अगर हम इसकी लाइफ सर्किल की बात करें तो एंट, ये जो आपका ट्रोफोजॉइट्स होता है, ये इसकी सबसे व्यस्त अवस्था मानी जाती है। जैसे कि अपने हमने जाना, इसमें सुडोपोडिया, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस और फूड वैक्यूल, और इसमें आरबीसी भी पाई जाती है, इंजेक्ट आरबीसी, आपके इस वाले पार्ट में आरबीसी भी पाई जाती है, यानी कि एंडोप्लाज्म के अंतर्गत ये सभी पाई जाती है। अगर हम इनके रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनमें बाइनरी डिवीजन यानी कि विखंडन विधि द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। अब हम बात करते हैं पैरासिस्ट फॉर्म। पैरासिस्ट फॉर्म जो होती है वो ट्रोफोजोइट स्टेट से छोटी होती है। इसका जो आकार होता है 12 माइक्रोन से लेकर 15 माइक्रोन तक का होता है। अब हम बात करते हैं, इस स्टेज के बाद आती है क्रोमेटेड बॉडीज, यानी कि इसमें क्रोमेटेड बॉडीज डेवलप होने लगती है, और जो आपकी फूड वैक्यूल होती है ये इस वक्त यहाँ पर डिजॉल्व हो जाती है और इसके बाहर सिस्ट बनने लगती है। इसके बाद ये अपने केंद्रक को डिवाइड करके दो से, यानी कि दो कर देता है, दो से चार कर देता है। बाइनरी क्लेट सिस्ट जो होती है, इस वक्त इनका जो केंद्रक होता है ये दो होता है और दो से धीरे धीरे चार करने लगता है। इक्वेटरी न्यूक्लियाइड सिस्ट जो होती है, इस वक्त इनके अंदर चार केंद्रक पाए जाते हैं और न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस ये पूर्ण डेवलप हो जाता है और इसके बाहर सिस्ट होती है। ये मनुष्य के मल के द्वारा ये वाली स्टेज बाहर आती है और किसी दूसरे मनुष्य के द्वारा भोजन में या पानी के द्वारा एब्जॉर्ब करने पर उसकी बॉडी में एंटर कर जाती है। यानी कि ये वाली जो स्टेज होती है, यानी कि सिस्ट वाली जो स्टेज होती है, ये मनुष्य को इन्फेक्ट करती है, यानी कि इन्फेक्टेड स्टेज के नाम से, यानी कि प्रभावी स्टेज के नाम से होती है। अब हम बात करें, जैसे ये बॉडी में एंटर कर जाता है, जो इसका जो सिस्ट वाला जो भाग होता है, यानी कि जो इसके बाहर जो सिस्ट जो वॉल जो बनी होती है, ये धीरे धीरे करके डिजॉल्व होने लगती है और इनके जो न्यूक्लियस होते हैं ये बाहर आते हैं। मेटासिस्ट एमीबॉइड्स के स्टेज में ये पूर्ण रूप से डिजॉल्व हुई हुई होती है। इसके बाद ये डिवाइड होके, यानी कि शरीर से बाहर फटके अपने एक से चार एमीबॉइड्स बनाते हैं, एक से सॉरी 8 एमीबॉइड्स बनाते हैं, और यही वयस्क होकर आपकी ट्रोफोजॉइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस तरह इनका लाइफ साइकिल चलता रहता है और ये अपना जीवन, पूरा जीवन काल एक ही होस्ट से पूरा करते हैं। आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।